Hi friends, this is Asim. You may call me Prince from Law Faculty of DU. Today I would like to discuss the landmark case of Indian Evidence Act 1872 which mentioned in our case mat. केस का नाम है जयंती भाई भयंकर भाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात. ये 2002 का केस है और ये जो केस है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11 यानी कि एलेबाई पर बेस्ड है जो अन्यत उपस्थिति की बात करता है. अब इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे आते हैं. इस केस के फैक्ट ये हैं कि इस केस में 9 लोगों पर लालू भाई के मर्डर का चार्ज लगता है और इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 302/149 और 147/148/452 के तहत चार्ज शीट उनके अगेंस्ट में इम्पोज किया जाता है. तो होता क्या है, इन 9 लोगों में से 4 लोगों को कोर्ट जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट के ग्राउंड पर एक जो है वो छोड़ देती है यानी कि एक्यूट कर देती है, लेकिन 5 लोगों को यानी कि 9 में से जो 5 बच जाते हैं उन लोगों को कन्विक्ट कर देती है. तो इन 5 में से एक जयंती भाई भी होते हैं और वो जो जयंती भाई होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं एलबाई के लिए. तो अब अपीलेंट यानी कि जयंती भाई के कंटेंशन पे आते हैं. जयंती भाई कहते हैं कि ये जो लालू भाई का जो मर्डर हुआ है वो सिंगापुर गांव में हुआ है. ये सिंगापुर गांव है, कोई सिंगापुर देश नहीं है, तो सिंगापुर गांव में हुआ है और जिस समय ये मर्डर हुआ था उस वक्त हम अहमदाबाद में थे. तो ये पॉसिबल कैसे है कि कोई व्यक्ति अहमदाबाद में हो और उसी समय वो सिंगापुर जा कर के मर्डर कर दे. तो ये बहुत ही हाईली इम्प्रोबेबल है, इसलिए हमको बेनिफिट ऑफ एलिबाई मिलना चाहिए. तो ये अपीलेंट का कंटेंशन होता है. तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे आते हैं. सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11 को ऑब्जर्व करती है जो एलिबाई से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट. यानी कि कभी कभी क्या होता है कि फैक्ट वैसे तो रिलेवेंट नहीं होते हैं लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस के ग्राउंड पर उस फैक्ट को रिलेवेंट माना जाता है. तो ये जो एलिबाई का जो कॉन्सेप्ट है, एलिबाई अगर देखा जाए तो वो ये कहता है कि अगर कोई भी आदमी एक समय में अगर किसी एक जगह पर प्रेजेंट है तो वही आदमी उस समय में किसी और जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है और वहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं कर सकता है. तो इस ग्राउंड पे उस आदमी को एक्यूट कर दिया जाता है. तो इस तरह का जो एग्ज़ाम्पल है आप पुराने फिल्मों में देख सकते हैं, जब वकील जो है अपने क्लाइंट को बचाने के लिए प्लेन का टिकट या ट्रेन का टिकट या फिर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट शो कर देता है, बोलता है कि जहाँ पे क्राइम हुआ था और जिस समय क्राइम हुआ था उस वक्त हमारे क्लाइंट तो वहाँ पे थे ही नहीं, वो तो इस डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे या फिर इस शहर से दूर थे, तो उन्होंने ऐसा क्राइम नहीं किया है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एलिबाई पे ही बेस्ड होता था पुराने फिल्मों में. फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो दूसरे पॉइंट पे फोकस करती है जो सेक्शन 103 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है. सेक्शन 103 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई आदमी चाहता है कि कोर्ट उसकी बातों पर यकीन करे तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी पर आएगा जो आदमी कोर्ट से ये चाहता है कि कोर्ट उसकी बातों पर यकीन करे. फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि कोर्ट मेरी बातों पर यकीन करे कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमको देना पड़ेगा ना कि उस आदमी को. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का अब फाइनल डिसीजन ये आता है. सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस के जो जयंती भाई होते हैं उनके कंटेंशन यानी कि एलिबाई के कंटेंशन को एक्सेप्ट करती है जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 11 है, और वो इस बात को मानती है कि हाँ जयंती भाई जो है उस वक्त अहमदाबाद में थे तो वो उस वक्त मर्डर नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो एलिगेशन लगाया जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस पर फॉल करता है, यानी कि जो लोग जयंती भाई पे आरोप लगाते हैं उन पर बर्डन ऑफ प्रूफ फॉल करता है, और वो लोग इस बात को साबित नहीं कर पाते हैं कि जयंती भाई जो है वो उस वक्त अहमदाबाद में नहीं थे. तो इस दो ग्राउंड पर जयंती भाई को फाइनली कोर्ट जो है वो एक्यूट कर देती है, यानी कि बेनिफिट ऑफ एलिबाई भी देती है और बर्डन ऑफ प्रूफ जयंती भाई से हटा करके उस आदमी पर जाता है जो आदमी जयंती भाई को प्रोसिक्यूट करना चाह रहे थे. और इस केस में प्रोसिक्यूशन जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ के ग्राउंड पर प्रूफ करने से फेल हो जाता है कि वो अहमदाबाद में नहीं थे, तो जयंती भाई फाइनली बच जाता है एलिबाई की वजह से. तो इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट यही है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.